टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। सर, इस बच्चे की माँ पिछले स्टेशन पर उतरी थी, हो सकता है लौटने से पहले ही गाड़ी चल दी हो, अब इसका क्या करूँ? इसका बंदोबस्त मैं कर देता हूँ, अगर इसकी माँ का पता नहीं चला तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोल्जर, सोल्जर, मुझे छोड़कर न जाओ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। एक काम करता हूँ, अपना एड्रेस आपको लिख कर देता हूँ, पेन हाँ इसमें लिख दूं? ओ यस, लिख दीजिए। अगर बच्चे की माँ यहाँ आए तो इस पते पर भेज दीजिए। भेज देंगे, ओके। अगर हो सके तो मेरा सामान निकलवा दीजिए, मुझे बहुत जल्दी जाना है। आप इधर बैठिए, ये काम पूरा करने के बाद आपका काम कर दो। ओके, हाँ टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। क्या हुआ? तकदीर फूट गई, पास किया बीए लेकिन काम मिला ग्वाले का, मेरी तो जवानी बर्बाद हो गई। माँ देखो कौन आया है, जल्दी आओ ना। नीचे उतर। बेटे आगे, बेटे आओ मेरे लाल, मेरी मुराद पूरी हो गई। ये क्या बेटे, पांव धोए बिना तुमने दूध पीना शुरू कर दिया? तुम अब भी मुझे दूध पीता बच्चा समझती हो ना, सिपाही बन गया हूँ। सिपाही बन गया पर बचपना नहीं गया। मैं तेरे लिए तो बच्चा ही हूँ। ओहो, अभी मैंने नहाया, बिना नहाए छूना मत समझे। अरे क्या कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है? हाथ उठा मां, हाथ उठा। ये कौन है, कैसे ऊपर उठा? हाँ ओके, मैं हाथ नहीं उठाऊंगी। सोचिए, शूट कर दे बेटे। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहा है? क्यों बेटे, मिलिट्री के जवान यही काम करते हैं, घर पर भी ये सब यूं ही शूट करते हैं। बच्चे को तुमने ही सिखाया होगा। ये बच्चा बहादुर का बेटा जरूर होगा, तुम तो शक्की हो शक्की। अरे माँ, मुंह से पता नहीं चलता, सिपाही का बेटा होगा, किसी डरपोक का बेटा नहीं, अपने देश का बहादुर सिपाही बनेगा। पर किसका बेटा है? एक बुरके वाली औरत ट्रेन में इसे छोड़कर कहीं उतर गई और ये लड़का मेरे साथ आ गया। आमा, वाइट वाश नहीं करवाया? ए, बात मत टाल, अब बोल बच्चे की जाति क्या है? ये अभी तक तो पूछा नहीं, तुम ही पूछ लो। सुन मुन्ना, तुम्हारी जाति क्या है? क्या कहा? जाति नहीं जानता, जाति। ये क्या है रे? सिर्फ दो ही तो जातियां हैं, औरत की मर्द की, अपनी जाति इसने बता दी। बनकर उस वक्त बनकर सुन, नाम क्या है तेरा? इकबाल। देखो मौसी का मुंह तो बंदर हो गया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। घर के बाहर जाकर घर की मान मर्यादा भी भूल गए। क्यों पिताजी? ये जूते निकाल कर तुम आते तो अच्छा था, आपका आशीर्वाद लेने की जल्दी में भूल गया। अभी आया। क्या छुट्टी पर आए हो? नहीं पिताजी, सर्विस पूरी हो चुकी, अब नहीं जाऊंगा। तब तो यही रहोगे ना बेटे? इसी गांव में मैंने जन्म लिया, ये कैसे भूल सकता हूँ? ये गांव नहीं भूल सकते, और हो सके तो इस देश की खूबी भी न भूलना। मैथिली, तुम्हारे लिए लहंगा चोली, मां तुम्हारे लिए साड़ी। पिताजी, आपके वास्ते कश्मीरी शाल लाया हूं। गंगा, गंगा क्यों मां गंगा बाहर गई हुई है? गंगा वो कहां पर गई है? वो बेटे बोल दे, कैसे मर गई है वो? गंगा मर गई क्या? माँ पिताजी क्या बोल रहे हैं? तुम भूखे हो गए बेटे, पहले नहाकर भोजन कर लो, मैं सब बता दूंगी। गंगा को क्या हुआ ये पहले बताओ। बता दे, अपना मुंह काला करके वो भाग गई। मर गई या जिंदा है कौन जाने, अगर जिंदा है भी तो हमारे लिए मर चुकी है, सदा के लिए मर चुकी है वो हमारे लिए। ये लड़का घर वालों से बिछड़ गया,
जब तक इसको ढूंढता हुआ कोई नहीं आता ये यहीं पर रहेगा, इसलिए रघु साथ ले आया। अच्छा काम किया रघु ने, नहीं तो मेरा धर्म कौन भ्रष्ट करता। ये धर्मशाला नहीं, भगवान की पूजा होती है यहाँ, ये कभी भूलना नहीं। चल तू भोजन कर ले। आओ चले। अरे पास आओ ना। अब बताओ इकबाल को तुम अपने साथ लेकर फौरन आने वाली थी ना, तो इतनी देर कैसे लग गई? देर कैसे नहीं लगती, हमारी खबर पुलिस वालों को लग गई, उनसे किसी तरह बच के छुप छुपा के इधर उधर भटकती हुई तुम्हारे पास पहुंच गई। इकबाल कहाँ है? ए, कहाँ है? पुलिस से किसी तरह बचना था मुझे, दूसरा चारा भी ना था, इसलिए इकबाल को छोड़कर भाग आई। आओ आओ नजदीक आओ। कंग्रेचुलेशंस गंगा, अकलमंदी की जीती जागती तस्वीर मेरी प्यारी गंगा है। जवाब नहीं तेरा गंगा। कैसी बात करते हो? जो बच्चों को भुलाकर अपना फर्ज पूरा करे, हमें ऐसी वफादार औरत की जरूरत है। तुम्हारी जैसी धर्मपत्नी को पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली यू आर ग्रेट। इकबाल को देखा ही नहीं था तुमने, उसे खोकर मैंने बड़ी भूल की। तुम बच्चे को ना देखकर मुझे मारोगे, लेकिन तुम बच्चे की खोने की खबर सुनकर खुश हो गई, इसकी आशा न थी। मौसी, ये कैसा भेस है? दादा की तरह ही मैं लगता हूँ ना मौसी? दादा ऐसे ही मुंह बनाते हैं ना? पर इस भेस में तो अच्छा लगता है ना माँ? एक दिन तो सब खिलवाड़ भूल जाओगी। मैथिली, इस बच्चे को यहाँ रखा ये जानकर वो गुस्से से हम पर इतने आग बगोला हो रहे थे, अब रसोई घर में इसको देख लेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ए, चल जा यहाँ से, चल चल। चल जल्दी चल, तुझको वहाँ बैठना होगा, ठीक है? याद रखेगा ना, चल जाकर बैठ वहाँ। नियम से नहाकर हम लोग भोजन करते हैं, ये तो तुम भूले नहीं हो ना? भूले नहीं पिताजी। जनेऊ नहीं पहनते हो, मूछें बढ़ा रखी हैं पहलवानों जैसी, तुम्हें सपने भी पुजारी का बेटा नहीं मानेंगे। अगर आदमी कोई कहे तो बहुत है। माँ इकबाल कहाँ है? इकबाल को बुलाओ। इकबाल, इकबाल, पहले तुम भोजन कर लो, उसको मैं बाद में खिला दूंगी। इकबाल कहाँ है माँ? इकबाल, इधर आ, खाना खा ले। तुम खाओ बेटे। ये क्या माँ, बच्चे भोजन कर ले तो बड़े लोग भोजन करते हैं, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। परोसो। कोई बात नहीं, हम साथ ही बैठ जाते हैं, बैठ रहे। पिताजी क्यों उठ गए? पिताजी नाराज हो गए। ये बच्चा है कौन, लाए क्यों? क्यों रे, तुम पिताजी के आचार विचार को नहीं जानते हो क्या? ये बात है पिताजी, अनजाने में मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दे। अब से कोई शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा आपको, आप यही भोजन कीजिए, हम दोनों बाहर जाते हैं।
चलो